जेजेपी के दो विधायकों पर कार्रवाई की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। जेजेपी की ओर से दो विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद अब दुष्यंत चौटाला ने ज्ञानचंद गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष से दुष्यंत चौटाला ने विधायकों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ किया कि नियम कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। श्री दुष्यंत चौटाला जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो याचिका दो माननीय सदस्यों के द्वारा ये विधायकों को बर्खास्त करने के लिए लगाई गई है, उसके मामले में जो हमने 4 सप्ताह का समय दिया था, उनका ये कहना था कि ये 4 सप्ताह का समय ज़्यादा है, इसको कम करके इसके ऊपर जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको कहा है कि इसके ऊपर विचार करेंगे, नियम कानून के अनुसार ही कोई निर्णय करेंगे। विधायकों पर की जाने वाली कार्रवाई पर ये मुलाकात काफी लंबी चली। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया कि कोई भी किसी सदस्य के खिलाफ शिकायत दे सकता है। इसी के चलते जेजेपी की याचिका को स्वीकार किया गया है। याचिका लगाने के लिए क्या नियम है ये विधानसभा अध्यक्ष ने बताया। कोई भी व्यक्ति याचिका लगा सकता है, उस चीज को तो हमने स्वीकार किया है, तभी उनकी याचिका को स्वीकार किया है, क्योंकि वो जो याचिका लगाई गई है किसी विधायक की तरफ से नहीं लगाई गई। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक कोई भी व्यक्ति याचिका किसी सदस्य के खिलाफ लगा सकता है, तो उसको हमने तभी स्वीकार किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी पर कार्रवाई की याचिका लगाई गई थी, लेकिन याचिका में गलती के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे ही दल बदल कानून पर उठ रहे सवालों पर भी ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की कार्यप्रणाली के काम बताए। विधानसभा के अंदर जो भी निर्णय किए जाते हैं वो नियम और कानून के अनुसार किए जाते हैं। कोई भी याचिका अगर वो लीगली मेंटेनेबल नहीं है तो उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। ये कार्य तो उनका है कि वो लीगली उसको करेक्ट करें और लीगल याचिका डालेंगे तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे। आपको बता दें कि जेजेपी की ओर से दो विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई है और कांग्रेस की ओर से दल बदल कानून के तहत किरण चौधरी पर कार्रवाई की मांग की गई है, जिस पर कांग्रेस की दोनों याचिकाओं को विधानसभा की ओर से खारिज कर दिया गया है और कांग्रेस नेताओं को लीगल तौर पर ठीक से याचिका लगाने के लिए सलाह दी गई है। पंचकुला से रवि चंदेल की रिपोर्ट।